मोदी ने फिर देश को बेच दिया और इस बार देश की एयरलाइंस को, एयर इंडिया को टाटा ने 18,000 करोड़ में खरीद लिया है। लेकिन थोड़ा सा इतिहास हमें जरूर जान लेना चाहिए कि ये एयरलाइंस थी किसकी। इतिहास अपने आप को दोहराता है और उसने कम से कम इस चीज में तो खुद को दोहरा ही दिया। ये 1929 का समय था जब जेआरडी टाटा की उम्र मात्र 25 साल थी और 25 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में, उन्हें फ्लाइंग लाइसेंस मिला और 1930 में वो भारत से उड़कर लंदन गए। इतनी छोटी सी उम्र में उसके बाद उन्होंने अपनी ये जो टाटा एयरलाइंस शुरू की थी, इसने वो कंपनी स्थापित कर ली, वो मुकाम हासिल कर लिया जो शायद ही दुनिया में किसी और का था। 1947 में भारत को तथाकथित आज़ादी तो मिली और उस समय, आज़ादी के समय, टाटा एयरलाइंस उन कंपनियों में से एक थी, चंद चीज़ों में से एक थी जिस पर भारत को और भारत की तत्कालीन सरकार को गर्व था कि इसने विश्व पटल पर हमारी तस्वीर को निखारा है, सुधारा है, कि भारत कुछ चीज़ों में तो कम से कम दुनिया से पिछड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बाद नेहरू की नाक पर बात आ गई और फिर उसकी वजह से वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से 70 साल लग गए टाटा को दोबारा से अपना सपना पाने के लिए। अब जब नेहरू की नाक पर बात आई तो उसने टाटा एयरलाइंस को छीन ही लिया। हुआ ये घटना कि तथाकथित आज़ादी के बाद 12 से ज़्यादा विदेशी एयरलाइंस की कंपनियां भारत में घुस चुकी थी और जेआरडी टाटा, जो एक दूरदर्शी बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर देनी चाहिए। हुआ भी ऐसे ही, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई 1948 में। भारत की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भारत से लंदन गई, जिसमें खुद जेआरडी टाटा सवारी करके गए थे। इसके बाद तत्कालीन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रफ़ी अहमद किडवाई ने भारत सरकार की तरफ से जेआरडी टाटा को एक संदेश भेजा और कहा कि इनको पोर्टल सर्विस शुरू कर देनी चाहिए भारत के बड़े 4 शहरों में, ताकि फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जा सके। जेआरडी टाटा ने ये प्रस्ताव सुनते ही हामी भर ली, लेकिन उन्होंने इतना भी कहा इसके साथ साथ कि पोस्टल सर्विस शुरू करने से पहले 4 बड़े शहरों में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को और हमें दिक्कत आने वाली है। और वो दिक्कत ये थी कि जब रात को फ्लाइट्स नहीं उतरेंगी या कुछ समस्या होगी तो फैसिलिटीज सरकार की तरफ से भी प्रभावित होंगी, लोगों को समय पर अपने पत्र, डाक वगैरह नहीं मिलेंगे, काम सुचारू रूप से नहीं होगा और दूसरी तरफ कंपनी को भी दिक्कत आएगी। सवाल वाजिब था, लेकिन सरकार ने और नेहरू ने इसे अपनी नाक पर ले लिया और अपनी मैं बना लिया। इसके बाद सरकार ने हिमालयन एयरलाइंस के नाम से 1948 में सेवा शुरू की। जेआरडी टाटा ने एक ओपन लेटर सरकार को लिखा और इसमें कहा कि आप सरकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एयरलाइंस चलाना इतना आसान नहीं होगा और ये इतना फायदे का सौदा नहीं होगा। एक बार फिर दोबारा से सरकार को ये बात हजम नहीं हुई और दोबारा से बातें चालू हो गई टाटा एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण की। एक इंटरव्यू में जब जेआरडी टाटा से ये पूछा गया कि आप इस राष्ट्रीयकरण की बातों को किस तरीके से लेते हैं, तो जेआरडी टाटा ने ये कहा था कि किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण मेरी नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसमें राजनीति घुस जाती है। ये इंटरव्यू नेहरू की मेज तक पहुँचा, लेकिन जब बात नाक पर बैठ ही चुकी थी और जिसकी वजह से नाक कट ही चुकी थी, तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण का ये फैसला पीछे नहीं लिया। हालांकि एक कमेटी ज़रूर गठित की गई रफ़ी अहमद किडवई और जेआरडी टाटा की मीटिंग के बाद नेहरू ने एक कमेटी गठित की थी और नेहरू ने की इस गठित की हुई कमेटी ने भी सरकार की निंदा कर दी और सरकार को कहा कि आपको ये जो 12 से ज़्यादा लाइसेंस थे ये नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि पहले ही 4 कंपनियाँ दिवालिया घोषित हो चुकी हैं और एयरलाइंस की कंपनियां ज़्यादा फायदे में नहीं हैं। दोनों तरफ से, जेआरडी टाटा की तरफ से और कमेटी की तरफ से, जिसने निष्पक्ष जांच की थी, इन बातों को नेहरू ने खुद अपनी बेइज्जती और सरकार की बेइज्जती के रूप में लिया और टाटा एयर इंडिया का, एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
उस समय अंबिका और जुपिटर एयरलाइंस भी थी जिनका दिवालिया घोषित हो चुका था, जो बिल्कुल घाटे में थी, जिनको सरकार ने मर्ज कर दिया गया। अब जो बात आती है ना कि मोदी मर्ज करने में लगा हुआ है, खत्म करने में लगा हुआ है, ये बातें हैं 1952 की, 1952 की नेहरू सरकार की। ये कोई नया खेल नहीं है, ये पुराना ही खेल है, बस फर्क इतना है कि हम इतिहास को जानें। हालांकि जब टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया, या मैं कहूँ सरकारीकरण किया गया, या मैं कहूँ टाटा से जब एयरलाइंस को छीना गया, तो टाटा ने एक सुझाव और दिया था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को अलग अलग किया जा सकता है ताकि हमारी छवि बरकरार रहे, क्योंकि सरकारी सिस्टम में आने के बाद वो सुविधाएं नहीं रहेंगी जो प्राइवेट संस्था में रहते हुए कोई भी एयरलाइंस दे सकता है, लेकिन इसको भी नकार दिया गया। हाँ, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्हें बोर्ड में जरूर लिया गया था, लेकिन उसके बाद जब 1978 में इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो जेआरडी टाटा को उस कमेटी से भी हटा दिया गया था। आप इस पर क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि इसका राष्ट्रीयकरण उस समय ठीक था या अब एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।